नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कुनो नेशनल पार्क सुबह के 2-3 बजे। है सुबह के 2-3 बजे? ऐसा क्यों? क्योंकि ग्वालियर से कुनो नेशनल पार्क है 150 किलोमीटर, और पिछली बार हम लोग लेट हो गए थे तो हमें जानवर कम दिखे थे। और आज हम लोग आपकी क्वेरी भी सॉल्व करने जा रहे हैं कि चीता कब आ रहे हैं और चीता का क्या स्टेटस है, जो वहाँ पे फेंस बन रहा है उसका क्या स्टेटस है। तो ये हम जानेंगे आज के वीडियो में, बने रहिए साथ में। और अगर आखिर तक बने रहेंगे हमारे साथ, शायद आपको कुछ स्पेशल दिख जाए। तो पोहोरी एक शहर पड़ता है, उसके बाद से जंगल शुरू हो जाता है कुनो नेशनल पार्क का, जो बफर जोन है बाहर का, और वहाँ से हाईवे निकलता है। रास्ते में आपको जैकल दिख जाते हैं कभी कभी रोड पार करते हुए। जंगल काफी हरा दिख रहा है। वैसे पिछली बार जब मैं पतझड़ के टाइम पे आया था तो बहुत जंगल ग्रे था, बिल्कुल ही ग्रे ब्राउन जंगल था, लेकिन इस साल काफी हरा भरा है क्योंकि प्री मानसून टाइम चल रहा है। पिछले हफ्ते हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो इन जंगलों में से गाड़ी निकालते हुए जाने का अलग ही मजा है। इसके बाद कुनो नदी मिलती है। कुनो नदी के आसपास रिजॉर्ट बनने वाले हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, एक तो बन भी चुका है, और यहाँ पे आप स्टे ले सकते हो अगर आपको नेशनल पार्क के बाहर रुकना है और अच्छा स्टे चाहिए आपको। यहाँ से थोड़ा सा आगे ही ससाईपुरा गांव पड़ेगा। ससाईपुरा गांव के अंदर आपको हर जगह चीता के बोर्ड दिख जाएंगे। अब जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कुनो नेशनल पार्क का, वो लॉयन से हटके चीता पे आ चुका है। वहाँ से आपको एक बोर्ड दिखेगा टिकटोली गेट के लिए, उसके लिए आप मुड़ जाना। 14 किलोमीटर रास्ता चलेगा, कच्चा रास्ता, बीच में जंगल, बीच में गांव भी पड़ेंगे, जंगल पड़ेगा। बफर जोन के अंदर से होते हुए कुनो नेशनल पार्क के टिकटोली गेट पे पहुंच जाओगे, जहां से आपको जीप या फिर एंट्री गाइड वाइड सब कुछ मिल जाएंगे। कुनो नेशनल पार्क आने के 3 गेट हैं वैसे, लेकिन सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज इसी गेट पे, टिकटोली गेट पे है। बाकी वैसे गाइड कह रहे थे कि बाकी गेट भी ओपन है, लेकिन जीप की फैसिलिटी यहीं पे है। तो आप अगर आ रहे हो तो यहीं से आओ, क्योंकि यहाँ तक की रोड बिल्कुल सही है। आए हैं टिकटोली गेट कुनो नेशनल पार्क, अभी गेट बंद है। पहली बार हम जब कुनो आए थे तब ओनली अपनी सेल्फ व्हीकल से जाना पड़ता था, और सेल्फ व्हीकल का प्राइस होता था 750 रुपये, और 360 रुपये गाइड का अलग से, अगर गाइड जरूरत है तो आपको, ठीक है। तो लेकिन इस साल अवेलेबल हो गई है जिप्सी यहाँ पे, और जिप्सी का प्राइस होता है 2200 रुपये, जिसमें गाइड भी इंक्लूडेड होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप 4-5 लोग हो तो जिप्सी ही लो, क्योंकि जीप के अंदर ऊपर से क्योंकि हाइट मिल जाती है आपको, तो फोटो खींचना या फिर जानवरों को देखना काफ़ी ईजी हो जाता है। बाकी कार के अंदर खिड़की छोटी होती है तो मुश्किल होता है जानवरों को थोड़ा देखना, स्पॉट करना और फोटोज़ खींचना। और जंगल में आए हो तो जंगल की आवाज़ और खुशबू को महसूस करना है तो वो जीप में ही आ पाएगा। ये लेपर्ड दिखते हैं भैया? लेपर्ड दिख जाते हैं? लेपर्ड, लेपर्ड अच्छा अच्छा ये मतलब ये टाइम सही है, मतलब या फिर उससे टाइम सही है। तो सफारी में सबसे पहला आपका स्टॉप होगा ये कुनो नदी का। यहाँ पे आप खूबसूरत कुनो नदी को देख सकते हो। इस बार जंगल काफ़ी हरा है और पानी भी नदी में काफ़ी है, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से पानी नॉर्मल अच्छा है पानी इस बार कुनो में। और किस्मत हो तो आपको नीचे हिरन या फिर जानवर पानी पीते हुए दिख जाएंगे। अब आप घने जंगल में एंटर कर जाओगे। यहाँ पे आपको अलग अलग स्पीशीज की बर्ड दिखनी शुरू हो जाएंगी। हमें सबसे पहले आज का कार्निवोरस एनिमल दिखा, गोल्डन जैकल। वैसे गर्मी काफ़ी हो चुकी है नेशनल पार्क में सुबह 7 बजे ही, तो हिरन कम दिख रहे हैं, लेकिन हमें एक हिरन का ग्रुप दिखा चीतल का, और यहाँ पे उनका जो लीडर है वो देखिए सामने, जिनके बड़े सींग है वो लीडर है उनका।
इसके बाद हम एंटर करें घने जंगल में। बिल्कुल, और यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी हैं, देख रहे हो आप, पूरा ग्रास का पूरा ग्रास कवर है हर जगह पे। ये इसलिए है क्योंकि हल्का सा प्री मानसून की वजह से हल्की सी बारिश हुई थी, जंगल पूरा खिलखिला उठ चुका है। ये जो होते हैं नाले हैं, ये ऊपर देवखो जगह है जहाँ से पानी ऊपर से नीचे आता है, और जंगल की जो फॉरेस्ट की अथॉरिटी है, उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे तालाब बना दिए हैं जानवरों के लिए, जिससे जानवरों को नदी तक ना जाना पड़े। ये जंगल अलग अलग रूप दिखाता है, बारिश के टाइम पे तो बहुत हरा हो जाता है, अभी भी काफ़ी हरा है, लेकिन सर्दियों के टाइम पर बिल्कुल ग्रे और ब्राउन रंग का हो जाता है। आगे चलते हुए जानवर तो कम दिखे, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम आए थे उसका हम नज़ारा देख चुके हैं, ये है चीते का बाड़ा। जो चीता आने वाले हैं नेशनल पार्क के अंदर, उनका 12 किलोमीटर बड़ा इलेक्ट्रिफाइड फेंस्ड एरिया बनाया गया है। जो चीता का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया की टूरिज्म के लिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए, इसलिए काफ़ी सिक्योरिटी रखी जा रही है। इन फेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट भी है, शायद दूसरे जानवरों को जैसे लेपर्ड्स है उनको अंदर आने से रोकेगा, शायद हल्का सा करंट होता होगा वैसे। और ये ऊपर देखिए पूरे गार्ड हाउस और सिक्योरिटी कैमरा भी, बहुत महंगे जो सिक्योरिटी कैमरा होते हैं बड़े वाले, वो लगे हुए हैं। जो फेंस है इसके अंदर, शायद 12 किलोमीटर की फेंस के अंदर अभी भी लेपर्ड्स हैं, तो लेपर्ड्स को धीरे धीरे इन फेंस से बाहर लेके आएंगे, तो इसका काम अभी चल रहा है, धीरे धीरे लेपर्ड्स को बाहर लेके आ रहे हैं फेंस से। हमने सुना था कि लेपर्ड की पॉपुलेशन कुरु नेशनल पार्क में 150 तक पहुंच गई है। चीता अगर यहाँ पे आएगा तो वो लेपर्ड से खतरे में रहेगा, लेपर्ड जो है वो चीता पे अटैक करके चीता को मार सकता है, जो बड़ा लेपर्ड होता है, तो इस वजह से चीता और लेपर्ड को सेपरेट रखा जाएगा, चीता को 12 किलोमीटर वाले एरिया में रखा जाएगा और लेपर्ड को बाहर। तो इसलिए धीरे धीरे लेपर्ड्स को अब बाहर लेके आ रहे हैं। जो यहाँ पे गार्ड्स हैं वो बता रहे थे कि धीरे धीरे हम लोग का अभी यही काम चल रहा है कि हम लेपर्ड्स को धीरे धीरे बाहर लेके आ रहे हैं फेंस से। ये कैमरा ट्रैप और इसमें फ्लैश लगी हुई है। हाँ, कैमरा ही है। रात को भी काम करते हैं। हाँ, रात को भी करते हैं। तो ये लेपर्ड की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कोई भी जानवर आएगा उसकी सबकी लोकेशन, आप भी पहुंचोगे तो आपके भी लिए एडवांस हो गए आजकल जंगल भी। तो वापस जाते वक्त हमें रास्ते में ये हमारा जैकल दिखा, यह काफी घबराया हुआ था, हमने ध्यान दिया तो हमें एक जानवर दिखा, आप भी देख लीजिए, हमें विश्वास नहीं था हमें शायद ये दिखेगा आज। हाँ जी, तो हमें हमारी पहली, मतलब मैं दो बार कूनो में आ चुका हूँ, एक बार रणथंभौर गया और एक बार सुंदरबन, मुझे अभी तक लाइव नेशनल पार्क के अंदर बिग कैट नहीं दिखी, तो मेरी पहली बिग कैट साइटिंग जो कि है लेपर्ड। हमें बस 5 या 10 सेकंड के लिए ये दिखा, मैंने बड़ी मुश्किल से शॉट लिया तो काफ़ी ब्लर शॉट आया है, लेकिन आप देख सकते हो कितना विशाल लग रहा है ये है लेपर्ड। कुनो नदी किनारे ये रेस्ट हाउस बना हुआ है, इसे कहते हैं पालपुर रेस्ट हाउस। यहाँ की बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हो, और आप जंगल के अंदर बिल्कुल सेंटर में जंगल के नदी किनारे समय बिता सकते हो जानवरों के बीच में। ये जीप है, जिप्सी। कुनो नेशनल पार्क के अंदर एक फोर्ट या फिर गढ़ी बनी हुई है, पालपुर गढ़ी, जिसके अंदर एंट्री कैसे है मुझे पता नहीं, लेकिन अगली बार शायद मैं आऊँगा तो इसको देखूंगा। अभी तो जून का महीना है, लेकिन बारिश आने के बाद बाढ़ आएगी तो नेशनल पार्क बंद हो जाएगा, फिर सितंबर अक्टूबर में खुलेगा। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे आइए, आपको लेपर्ड साइटिंग होने के बहुत चांसेस है। वैसे लेपर्ड शाम को ज़्यादा दिखता है, और चीता तो यहाँ आने ही वाले हैं, इस साल शायद आपको चीता यहाँ पे भागते हुए दिख जाए। तो ऐसे ही प्रकृति से जुड़े हुए घूमने की जगहों के वीडियो में लाता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।